बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बी शराहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द फाउंडेशन सेमेस्टर एट द स्टैंडर्ड गर्ल्स कॉलेज। आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बायोलॉजी प्री मेडिकल का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और आज जो मेरा टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, उसके बाद इसी में बात जो है वो चल रही थी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जिसमें मैंने डिस्कस किया जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। उसमें एक चीज़ जो थी वो आई थी कि हमने जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स जो पहले प्रेजेंट थे, उनकी एज जो है वो कैसे डिटरमिन करनी है। तो हमने इसी के अंदर लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ टू डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल्स, के जो फॉसिल्स हमें ऑर्गेनिजम्स के मिलते हैं, हमने उनकी एज जो है वो कैसे डिटरमिन करनी है। देन देयर आर टू मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, बाय द यूज़ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, बाय द यूज़ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स and with the help of sedimentary layers. Sedimentary rocks कह लें हम जी। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव अ हाफ लाइफ, हैव अ पर्टिकुलर हाफ लाइफ, पर्टिकुलर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है कि उसको हाफ होने में, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम है तो उसको हाफ होने में कंसिडर करें कि 100 ईयर्स रिक्वायर्ड है, तो दैट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम। देयर आर सर्टन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच वी नो इज, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं यूरेनियम, लेड, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जो कि नेचर में जो है फॉसिल्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो अब हमने पता ये लगाना है कि किस कौन सा फॉसिल जो है वो यंगर है और कौन सा फॉसिल जो है वो ओल्डर है, ठीक है। जिसकी एज ज़्यादा होगी वो वाला फॉसिल ओल्डर होगा, और जिसकी एज कम होगी इसका मतलब है कि वो भी यंग है, यानी कि अभी वो रिसेंटली जो है वो सैंड के अंदर या सॉइल के अंदर जो है वो बरीड हुआ है। फ़र्ज़ करें कि ये एक रॉक है और इसके अंदर जो है ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की क्वांटिटी है, ठीक है। ये जितने भी ब्राउन से मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, दीज आर न्यूली फॉर्म्ड रॉक है। फ़र्ज़ करें दिस वन इज़ न्यूली फॉर्म्ड रॉक, जिसके अंदर ये जो है ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं, नंबर या कह लें या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कुछ वक्त जब गुजरेगा तो इसी रॉक के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, जैसे कि अब इसके अंदर पहले वाली जो न्यूली फॉर्म्ड रॉक है उसके मुकाबले में कम होगी, और बहुत टाइम गुजरने के बाद इसके अंदर बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो प्रेजेंट होगी। तो वो वाली रॉक्स जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हम कहते हैं कि दैट रॉक्स वर यंगर, और वो वाली रॉक्स जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की क्वांटिटी कम होती है, हम कहते हैं कि वो रॉक्स जो हैं वो ओल्डर हैं। इस तरह से रॉक्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम रॉक्स की या ऑर्गेनिजम्स की एज का जो है वो पता लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जी। देखिएगा
आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो है एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज फाइंड करने के मैंने आपको बताया देर आर टू मेथड्स, बाय द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है, जिसमें हमने कहा कि यूरेनियम की, लेड की, ये पर्टिकुलर हाफ लाइफ्स होती हैं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो रॉक अभी नई फॉर्म्ड हुई है, यानी बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड है, उसके अंदर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मिकदार ज़्यादा होगी। अब टाइम टू टाइम वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिके करता जा रहा है, तो ग्रेजुअली इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है। और जब ये बिल्कुल ओल्डर हो जाएगी तो इसके अंदर बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो बाकी रहेगी। तो इससे हमें पता चलता जाता है कि जितनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाए, उतनी ही जो एज ऑफ फॉसिल्स है वो ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब है कि वो ओल्डर है। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं कि इस तरह से लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती जाती हैं। जैसे फर्ज कीजिएगा ये एक रॉक है, ठीक है, ये एक लेयर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो याद रखिएगा जो टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर या टॉप सेडिमेंट कह लें, सेडिमेंट भी लेयर को ही कहते हैं, उसमें यंगर फॉसिल्स होते हैं, यंगर फॉसिल्स। और जो बॉटम लेयर होती है, इसमें होते हैं ओल्डर फॉसिल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फॉसिल्स की एज का पता लगाते हैं। ठीक है, जो जो फॉसिल्स हमें डीपर सेडिमेंट्स के लेयर में मिलता है, हमें पता चलता है कि ये बहुत पहले मौजूद था। ठीक है, जिस तरह हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ा, प्रोटीरोजोइक एरा था, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाले होंगे ये सीनोजोइक एरा में बरीड हुए हैं और ग्रेजुअली जो है वो फिर नीचे आते जाएँ तो बाकी एराज के अंदर जो है वो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज का मतलब है शजराए नसब। शजराए नसब यानी कि फर्ज करें, इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, यानी बाप, दादा, परदादा। ठीक है, इस तरह से ये आपकी पेडिग्री बन रही है। क्या बन रही है? पेडिग्री। पेडिग्री कहते हैं कि इसको, नस्ल को, कि आपकी नस्ल क्या है, मतलब आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे। ठीक है, एंड सो ऑन। अब क्या है कि यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि जितनी भी जो लाइफ है एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन यही कहती है कि पहले लाइफ जो थी वो सिंपल थी। लाइफ क्या थी? सिंपल थी। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी लाइफ का एंसेस्टर एक ही है, सारी की सारी लाइफ का एंसेस्टर एक ही है। एंड दैट वर नोन टू बी प्रोकैरियोट्स। ठीक है, कहा जाता है कि एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ वर प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी फर्ज करें कि बैक्टीरिया से लाइफ आई, बैक्टीरिया फर्ज करें ए फॉर्म है, ए फॉर्म ऑफ लाइफ है जो कि सिंपल थी। फिर इसमें एवोल्यूशन हुई बी सी, फिर इसमें एवोल्यूशन हुई डी ई एफ जी। अब फर्ज करें हमने एफ जो है, एफ इंडिविजुअल का हमने फाइलेटिक लिनिएज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? एफ पीछे से सी से और सी पीछे से ए से। ठीक है, तो ये हमने इसको पीछे की तरफ ट्रेस बैक किया है। तो यही है फाइलेटिक लिनिएज, एंड अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, यानी इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई गैप नहीं आना चाहिए। अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, यानी कि ये इसके एंसेस्टर होंगे, एंसेस्टर यानी अबाव अजदाद, और इसके बाद ये आ जाएंगे, ये होंगे डिसेंडेंट।
ठीक है, ये एंसेस्टर टू डिसेंडेंट हमने इनको अरेंज किया होता है विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रेजेंट बिफोर इट। यानी कि ये वाली जो स्पीशीज है एफ स्पीशी, ये किससे इवॉल्व हुई है, ये बिल्कुल पीछे वाली स्पीशीज से जो है इवॉल्व हुई है, यानी जो एफ है ये इवॉल्व हुआ है सी से। ठीक है, तो ये हमें बताता है फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज शजराना सबको कहते हैं जिसमें एक फैमिली ट्री आप कह लें, ये क्या है, एक फैमिली ट्री है जिसकी मदद से जो है हम किसी भी जो इंडिविजुअल है उसके एंसेस्टर को ट्रेस करते हैं कि उसका एंसेस्टर जो है वो कौन होगा। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट फाइलेटिक लीनिएज। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। टोटल नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी भी जगह पर ऑर्गेनिजम्स का कितना नंबर है और उनकी वेराइटी कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखिएगा अब डिफरेंट नंबर जो है वो हमें पता है कि कितनी स्पीशीज जो हैं, आपकी बुक पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ परसेंटेजेस लिखी हुई हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं, कितने परसेंट जो हैं हमारे पास स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और कितनी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, उसमें इंसेक्ट्स की कितनी हैं और वेस्कुलर प्लांट्स की कितनी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है जी नॉन ऑर्गेनिजम्स, नॉन ऑर्गेनिजम्स कि जितनों को हम जानते हैं, जिनकी क्लासिफिकेशन का हमें पता है, तो दैट वर टू, ठीक है, अबाउट 2.5 मिलियन, अबाउट 2.5 मिलियन स्पीशीज आर नाउन दैट अबाउट 25 लाख। ठीक है, जो अर्थ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पीशीज जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं दैट इज अबाउट 2.5 मिलियन, जिसमें से इंसेक्ट्स का परसेंटेज है, इंसेक्ट्स आर अबाउट 53.1%, देन वेस्कुलर प्लांट्स आर 17.6%, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स आर अबाउट 19.9%, देन फंजाई, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स आर अबाउट 9.4%, लेकिन इसके अलावा कुछ जो है वो केयरफुल एस्टिमेशन की ये है कि वो कहते हैं कि ये जो स्पीशीज़ का नंबर जो हमें मालूम है 2.5 मिलियन, एक्चुअल में वर्ल्ड में इतनी स्पीशीज़ नहीं है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं, वो हैं 5 to 30 मिलियन, जिसमें से बायोलॉजिस्ट को जो नाउन है वो है 2.5 मिलियन, जस्ट 2.5 मिलियन, और इसी में भी ये जो फॉसल रिकॉर्ड है ये कंप्लीट नहीं है, फॉसल रिकॉर्ड इज नॉट कंप्लीटेड, व्हाई, क्योंकि बहुत से ऐसे एनिमल्स थे जो कि सॉफ्ट बॉडीड थे, यानी उनके पास कोई भी हार्ड पार्ट नहीं था, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी बोन्स जो हैं ये फॉसिलाइज्ड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे हमने इनवर्टिब्रेट्स में बात की कि उनके पास कोई भी इस तरह से वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब उनकी डेथ होगी वो ज़मीन में बारीड होंगे तो उनका तो कोई फॉसिल रिमेन जो है वो हमारे पास नहीं मौजूद होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड भी कम्प्लीट प्रेजेंट नहीं है। इसलिए फाइलेटिक लीनिएज जो है कुछ हद तक तो हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन ये भी हमें जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि हमने पढ़ा, फाइलेटिक लीनिएज और हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमिन्ड।
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू वेरी मच.